नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर भारत समाचार की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें, विधानसभा भर्ती मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। विधानसभा की भर्तियों पर जांच बैठाई गई है। विधानसभा सचिव को लंबी छुट्टी पर भेजा गया है, जांच को प्रभावित न कर सके और इसीलिए लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। विधानसभा सचिव का कार्यालय भी सील कर दिया गया है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यालय को सील करा दिया है। मुकेश सिंघल सचिव जो है उनका कार्यालय सील किया गया है। तो बड़ी खबर देखिए, भारत समाचार की खबर का असर देखने को मिला है। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय जो है वो सील हो गया है, जांच बैठाई गई है। मुकेश सिंघल का कार्यालय सील कर दिया गया है। बड़ी खबर विधानसभा भर्ती मामले से जुड़ी इस वक्त की। आपको बता दें, विधानसभा की भर्तियों पर जांच बैठाई गई है। विधानसभा सचिव को लंबी छुट्टी पर भेजा गया है और जांच को प्रभावित ना कर सके इसलिए उनको लंबी छुट्टी पर भेजा गया। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, देखिए, लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले को उठाया जा रहा था, अब इस पर जो है वो जांच बिठा दी गई है, साथ साथ विधानसभा सचिव को जो है वो लंबी छुट्टी पर भी भेज दिया गया है। क्या इस पर ज्यादा अपडेट सामने आ रही है? देखिए, भारत समाचार की सबसे बड़ी खबर का जो सबसे बड़ा असर हुआ है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लिया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से कहा था कि हम युवाओं को निराश नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे हम रखे हुए हैं और किसी का भी भ्रष्टाचार हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनके द्वारा जो चिट्ठी लिखी थी विधानसभा अध्यक्ष को, उसके बाद का असर आप देख सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने 3 IAS अधिकारियों की, पूर्व IAS अधिकारियों की कमेटी बनाई है जिनके द्वारा ये जांच की जाएगी 1 महीने तक कि आखिरकार भर्तियों का नियम क्या थे, किन नियमों के आधार पर ये तमाम भर्तियां की गई विधानसभा में, और 2011 से लेकर अभी 2022 तक जो जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन तमाम भर्तियों की जो जांच है वो की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर इस जो भी कमेटी होगी उसके द्वारा अगर संस्तुति कर दी जाएगी कि ये तमाम भर्तियां गलत हैं तो इन तमाम भर्तियों को निरस्त भी करने का उन्होंने आग्रह किया था। तो वही बात आज विधानसभा अध्यक्ष ने भी कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके से हम नियमों को देखेंगे, अगर नियम कहीं पे भी शिथिल किए गए होंगे या फिर उसको डाइवर्ट किया गया होगा तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है जिसमें विधानसभा जो सचिव हैं उनकी जिस तरीके से नियुक्ति को लेकर हमने सवाल खड़ा किया था कि एक ही महीने में उनको 3-3 प्रमोशन दे दिए जाते हैं और खुद अपने ही हस्ताक्षर से वो प्रमोशन पा जाते हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल था जिसको भारत समाचार ने उठाया और गंभीरता से उठाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा संज्ञान लेते हुए विधानसभा सचिव को छुट्टी पर भेज दिया है, जांच बैठा दी है। ये 3 IAS इनकी इस पूरी प्रक्रिया की भी जांच करेंगे कि आखिरकार जो इनको सचिव बनाया गया वो कितना सही है कितना गलत है, और उसके साथ साथ सचिव अपने कमरे में ना आ सकें और किसी भी तरीके की फाइलों को टेम्पर ना कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने आप जो विजुअल दिखाए हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनके कमरे को भी सील कर दिया है। तो ये है भारत समाचार की खबर का बड़ा असर। बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो